प्रेजेंटेशन होते हैं उनमें हम एक पैनल्स लगाते हैं और उस पैनल का नाम होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल। और उस पैनल में जो हम कैपेसिटेंस लेते हैं या कैपेसिटर लेते हैं उनकी वैल्यू हमेशा केवीआर में आपको दी मिलेगी। तो केवीआर की वैल्यू निकालना सीखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। तो बात करेंगे आज हम केवीए निकालने की, तो किलो वोल्ट एम्पियर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम में, और किलो वोल्ट एम्पियर निकालने के साथ साथ हम निकालेंगे किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर हम निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कैलकुलेशन वीडियो रहने वाली है, आपको यह वीडियो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कुछ सिखाएगी, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ और देखें, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है, हमने यहाँ पर जो सिस्टम लिया है दोस्तों, वो सिस्टम हमने लिया है थ्री फेज का हमारा जो सिस्टम है, और थ्री फेज के साथ साथ ये 10 किलो वाट का हमारा एक सिस्टम है और इसका पावर फैक्टर क्या है, 0.8 इसका पावर फैक्टर है। तो हमारा जो पावर फैक्टर है इसमें, वो पावर फैक्टर 0.8 हमने पावर फैक्टर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केवीए निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, मैंने आपको बोला कि केवीए निकालना है, क्या निकालना है हमें, निकालना है केवीए, केवीए निकालना है। तो केवीए होता क्या है, तो केवीए होता क्या है, सबसे पहले केवीए निकालने से पहले केवीए ही बता देता हूं। चलो आपको केवीए क्या होता है, केवीए ऐसी वैल्यू है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, क्या, जो हमारी पावर की ओरिजिनल वैल्यू है हमारे किसी भी सिस्टम में, कितनी ओरिजिनल वैल्यू हमारे सिस्टम को हमने दिया था, विदाउट लॉस हमने हमारे सिस्टम को दिया था, वो होता है केवीए, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। अब किलोवाट क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, किलोवाट हमारा होता है ऐसी पावर जो हमारे सिस्टम में गई तो है लेकिन उसमें कुछ लॉसेस हो जाने के कारण उस पावर में थोड़ा क्या हो गया, उस पावर का थोड़ा लॉस हो गया, और उस पावर का लॉस हुआ किसके कारण, पावर फैक्टर के कारण। तो किलोवाट का जो हमारा फॉर्मूला थ्री फेज सिस्टम में होता है वो हमारा होता है अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई कोस फाई, यानी कि कोस फाई क्या है, 0.8, यानी कि 100% वैल्यू होनी चाहिए थी, किसी भी चीज की 100% वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन उसकी वैल्यू हम 80% ले रहे हैं यहां पर, यानी कि 20% के लॉसेज हम हो रहे हैं, किसमें, किलो वाट में 20% के लॉसेज, अगर 0.8 है, अगर 0.7 है तो 10% के लॉसेज हमारे होंगे, सॉरी 0.7 है तो 30% के हमारे लॉसेज होंगे। तो किलो वाट क्या होता है, वह पावर होती है जो सिस्टम में लॉस होने के बाद बची है, सिस्टम में 20% के लॉस तो 0.8, अगर सिस्टम में 30% के लॉस तो 0.7, ये बात आप समझ गए होंगे। तो अगर केवीए की अगर मैं बात करूं, केवीए तो केवीए का जो फार्मूला होता है वो होता है किलो वोट अपॉन पावर फैक्टर। अगर मैं पावर फैक्टर को नीचे रखूं और इसको किलोवाट को ऊपर रखूं, यानी कि किलोवाट को मैं डिवाइड कर दूं पावर फैक्टर के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा केवीए बनेगा, क्योंकि सर आपने बताया कि किलोवाट क्या होती है जिसमें हम पावर फैक्टर इंक्लूड करते हैं, केवीए क्या होती है जिसमें हम पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं करते। तो हम यहां फॉर्मूले में रखेंगे, हमारी किलोवाट की वैल्यू 10 है किलो, और किलो की वैल्यू कितनी है, 1000 होती है हमेशा किलो की वैल्यू, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई मैंने किया, और 0.8 से मैंने क्या किया, 0.8 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारी यहां पर जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई 12500, ठीक है, और 12500 क्या आई, वोल्ट एम्पियर हमारी आई। अब मैं इसको किलो बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इसको किलो बनाऊंगा तो मैं 1000 से क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो 1000 से मैंने जैसे ही इसको डिवाइड किया ये 12.5 केवीए आ गया, ठीक है, हमारा केवीए निकालने का फार्मूला तो आपको पता चल गया। अब केवीए निकालने के साथ साथ जो हमारा फार्मूला बना वो हम केवीआर निकालेंगे। अब ये केवीआर क्या फंडा है, केवीआर ऐसी पावर होती है हमारे सिस्टम में जिसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं, और ये रिएक्टिव पावर आती है हमारी मिसमैचिंग के कारण, किसके मिसमैच के कारण, फेज डिफरेंस मिसमैच के कारण, किसके, वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंट के मिसमैच के कारण। तो केवीआर क्या होती है, तो केवीआर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट केवीए का स्केयर माइनस किलोवाट का स्केयर, ठीक है। तो हम यहां पर केवीए की वैल्यू हमने ली 12.5 का स्केयर
और किलोवाट की हमारी वैल्यू कितनी थी, वो हमारी 10 वैल्यू थी। तो यहां पर कितना आया, ये आया 156.25, माइनस करूंगा मैं 100 को, और ये यहां हमारा आएगा 56.25 अंडर रूट, यानी कि KVAR की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 7.25, हमारी यहां पर वैल्यू आई। तो केवीआर का यूज कैसे करते हैं हम, अब केवीआर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, केवीआर जो हम बड़े बड़े हमारे स्टेशन होते हैं उनमें हम एक पैनल्स लगाते हैं, और उस पैनल का नाम होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल, और उस पैनल में जो हम कैपेसिटेंस लेते हैं या कैपेसिटर लेते हैं उनकी वैल्यू हमेशा केवीआर में आपको दी मिलेगी। तो केवीआर की वैल्यू निकालना सीखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये आज की वीडियो